वेलकम बैक। अभी हम आपके पढ़ने वाले हैं चार ग्रुप रूल्स के बारे में, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द फोर सिंपल एंड वेरी इजी रूल्स, ठीक है। सो एरविन चारगप नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डीएनए का स्टडी किया था, ठीक है। इन्होंने डीएनए में देखा कि फॉर ए डबल, हमेशा याद रखना है पहला बात तो ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है। सो इन्होंने देखा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में आप बताओ एक न्यूक्लियोटाइड चेन है, सपोज ओके इफ दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड चेन, यहाँ ए है, टी है, जी है, एन सी है, और ये दूसरा पोली न्यूक्लियोटाइड चेन। सो इसके अपोजिट में क्या होगा, टी होगा। ये टी का अपोजिट में क्या बेस पेयर होगा, ए होगा। जी का बदली क्या होगा, सी होगा। एन सी का बदली जी होगा। सो कहना क्या चाहते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू टी, ए जितना होगा भाई टी भी तो उतना ही होगा बिकॉज पेयरिंग तो इसके बीच में होगा। सपोज यहाँ बात करें तो ए दो है, ए रहा एक और ए रहा एक, तो टी कितना हुआ, दो हुआ बिकॉज ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी, मतलब दैट इज ए प्लस जी, दैट इज अमाउंट ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन का बात कर रहा हूँ, एन अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन, पायरिमिडिन इज ऑलवेज इक्वल द अमाउंट ऑफ प्यूरिन दैट इज एडिनाइन एंड ग्वानाइन, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन दैट इज थायमिन एंड साइटोसिन, कहाँ में, इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसको ऐसे भी बोल सकते हो दैट इज अमाउंट ऑफ प्यूरिन ए प्लस जी, ठीक है, ए प्लस जी बाय द रेशियो बिटवीन द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन दैट इज सी प्लस टी इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का रेशियो जो है हमेशा वन इक्वल होता है, बट देयर बेस रेशियो, ये प्यूरिन एंड पायरिमिडिन का रेशियो बोल रहा हूँ, बेस रेशियो क्या बोलोगे, ए पेयर विद टी, ये बेसिस है, एंड जी किसके साथ, जी प्लस सी, बेस रेशियो कभी वन नहीं होता, ये बेस रेशियो जो होता है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जितना आपका एडिनाइन होगा उतना थायमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, बट उनका बेस रेशियो एक इसके साथ बेस करता है, ठीक है, साथ बेस रेशियो कभी सेम नहीं होता, ठीक है, नेवर इक्वल टू वन, इट इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिस। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि एडिनाइन है आपका सपोज 20% एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, कितने में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो आपको बोला है फाइंड ग्वानाइन का परसेंटेज, आपको फाइंड करने को बोला है, एडिनाइन दिया है ना, एडिनाइन दिया हुआ एक डीएनए में और आपको क्या बोला, ग्वानाइन, ग्वानाइन फाइंड कीजिए। सो वी नो डेट एडिनाइन इज इक्वल टू थायमिन, सो अगर ए 20% है तो थायमिन कितना होगा, 20 ही होगा, इक्वल होगा, क्लियर है, पहला स्टेप तो ये क्लियर है, ठीक है। नाउ आप फाइंड क्या करने दिया है, ग्वानाइन दिया हुआ है। अभी आपको पता है अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडिन, मतलब 50-50% होगा, ठीक है। सो प्यूरिन में आपका क्या क्या आता है, एडिनाइन आता है, प्यूरिन में आपका क्या क्या आता है बताइए, प्यूरिन में आपका आता है एडिनाइन, लेट मी चेंज द कलर, प्यूरिन में आपका आता है एडिनाइन एंड ग्वानाइन इज इक्वल टू साइटोसिन एंड थायमिन, पर एडिनाइन कितना देके रखा हुआ है 20, तो थायमिन कितना हो गया 20। सो दोनों को इक्वल होने में आप कितना चाहिए बताइए, साइटोसिन 30 हो गया, सो 50% हो गया यहाँ भाई, और यहाँ में अगर अगर साइटोसिन 30 है तो ग्वानिन कितना होगा 30%, सो हो गया भाई 50-50% इक्वल हो गया कि नहीं, सो आपका ग्वानिन का परसेंटेज कितना है, सो 30% है। सिमिलरली आपको साइटोसिन बोलते तो इसमें कितना है, साइटोसिन भी 30 है, बा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते कि थायमिन कितना है, तो थायमिन एडिनाइन 20 है तो थायमिन भी 20 है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, वेरी इजी है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, चार ग्रुप रूल्स हमने आराम से कर लिया, कोई भी डाउट हो तो जरूर बता दीजिएगा। याद रखिएगा प्यूरिन पायरिमिडिन का रेशियो 1 होता है, बा प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडिन, बट बेस रेशियो अलग होता है ना भाई, ए टी के साथ पेयर करता है और जी सी के साथ। सो देखिए यहाँ ए प्लस टी है बेस रेशियो में, पर यहाँ में प्यूरिन में ए प्लस जी है, यही डिफरेंस बता रहा हूँ, बेस रेशियो कभी इक्वल टू 1 नहीं होता, वो कंस्टेंट होता है फॉर स्पेसिस टू स्पेसिस।